नमस्कार दोस्तों, आज हम एडवांस टैक्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स के अंतर्गत हमको एक साल कमाना होता है और एक साल उसके अगले साल हमको उसके उस कमाई के ऊपर टैक्स देना होता है। जैसे कि हम बात करें, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमने जितनी भी इनकम हम कमाते हैं, अर्न करेंगे, उस सारी इनकम पर पूरा साल, और ये पूरा साल क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 पर जितनी हमारी इनकम हुई है, उस इनकम पर हमको टैक्स कब देना होता है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 पर 24 में टैक्स देना होगा। यानी कि जिसमें हम कमाते हैं वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर, और उसके जस्ट बाद जो आता है जिसमें कि हमको टैक्स देना होता है वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। तब जब वैसे तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की इनकम पर हमको 23-24 में टैक्स देना होता है इनकम पर, लेकिन एडवांस टैक्स के अंतर्गत हमको अगले साल पेमेंट ना करते हुए हमको जिस साल में हम कमा रहे हैं उसी साल में हमको टैक्स देना होता है, और वो कहलाता है हमारा एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स जो होता है ये टीडीएस की तरह ही होता है। जैसे टीडीएस में क्या होता है कि जब जैसे जैसे आपके पास कोई भी पेमेंट करता है तो सोर्स में ही आपका टीडीएस का, जैसे कि सैलरी दी जा रही है तो सैलरी देने वाला आपको एम्प्लॉयर जो होता है वो सैलरी देते वक्त ही आपका टीडीएस कर लेता है, और वो जो टीडीएस करता है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा देता है, बचा हुआ ऐसा जो पेमेंट आपका रहता है वो आपको दे देता है। वैसे एडवांस टैक्स के अंतर्गत टीडीएस की तरह कोई और आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, इसमें आपको खुद को अपने पूरे साल का टैक्स निकालना है। पूरी पहले तो सबसे पहले पूरे साल की इनकम आप निकालेंगे, फिर उस इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे, और जो टैक्स बन रहा है उसको एक एडवांस टैक्स के रूप में आपको पहले ही पे करना है, और ये एडवांस टैक्स का पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में करना है। कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी तब आती है जिस यदि आपके द्वारा जो टैक्स पेमेंट करना है, जो एडवांस टैक्स आपका बन रहा है वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बन रहा है। यदि 10,000 रुपए से कम की टैक्स लाइबिलिटी है आपके ऊपर एडवांस टैक्स की, तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके साथ ही यदि कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है जिनकी की एज 60 या उससे ज्यादा है, या और उसकी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम चार्जेबल नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति भी एडवांस टैक्स को पे करने के लिए लाइबल नहीं होता है। यानी कि दो चीज की, एक तो किस पे, जिसकी इनकम 10,000 जो टैक्स लाइबिलिटी हो 10,000 या कम है किसी एक साल के लिए, तो भी उसको एडवांस टैक्स नहीं देना है, या फिर वो 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, उसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो भी उसको एडवांस टैक्स नहीं देना है। बाकी सबको एडवांस टैक्स का पे करना है। नॉन रेसिडेंट भी है और यदि वो 10,000 रुपए से ज्यादा उसके टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो भी उसको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो इस तरह से एडवांस टैक्स क्या है, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते हैं, जिस साल हम कमाते हैं उसी साल हमको जो है टैक्स का पेमेंट करना होता है। एडवांस टैक्स क्या होता है, ये इनकम टैक्स ही है हमारा, जो कि हमको बाद में ना पे करके शुरू में पे करना होता है। एडवांस टैक्स का पेमेंट हमको कैसे करना है, तो एडवांस टैक्स को हमको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस पहले समझ लेते हैं। अच्छा, 4 इंस्टॉलमेंट का जो रूल है वो उन पे लागू नहीं होगा जो कि प्रिजेम्प्टिव बेसिस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रिजेम्प्टिव बेसिस जो कि सेक्शन 44AD बिजनेस और 44AD A जिसमें कि प्रोफेशन कवर होते हैं, उन पर ये 4 इंस्टॉलमेंट वाला रूल लागू नहीं होता है। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी निकालनी होगी। एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपने पहले सभी सोर्सेज जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, सारी इनकम जितनी भी आपने पूरे साल में आपको है आपको वो पहले ही अनुमान लगा लें। एडवांस टैक्स देना इसलिए आपको, जैसे हम 1 अप्रैल 2022 से 2023 की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 में ही आपको, अप्रैल में ही आपको 31 मार्च 2023 तक का अनुमान लगाना कि इस पूरे साल में आपको इतनी इनकम होगी। फिर उस इनकम आपने निकाली टैक्सेबल इनकम, फिर उस टैक्सेबल इनकम में से आपको 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन भी डिडक्ट करना है। वो डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है उसमें से भी आपको ये देखना है कि इस साल आपका मतलब 22-23 में आपका कितना TDS और TCS होगा। वो TDS और TCS की अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे, और अब
उसके पहले तो आपने क्या कि इनकम निकाली, इनकम में से 80C से 80D तक की डिडक्शन ली, फिर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई, फिर नेट टैक्सेबल इनकम पर आपने जो भी स्लैब रेट या जो इनकम टैक्स रेट आप पर लागू होती है उससे आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। जो हम नॉर्मल टैक्स निकालते हैं उस पर सरचार्ज यदि एप्लीकेबल होता हो या एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस, ये सब एड करके आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे। फिर उस टैक्स लाइबिलिटी में से आपने यदि उस साल यदि आपका टीडीएस और टीसीएस होना है तो वो टीडीएस और टीसीएस की अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। वो भी क्या है, हमारा टैक्स का पेमेंट ही है जो कि एडवांस के रूप में हमने कर दिया है। एक तरह से टीडीएस टीसीएस भी हमारा एडवांस टैक्स का ही एक फॉर्म होता है। तो टीडीएस टीसीएस को घटाने के बाद जो अब टैक्स लाइबिलिटी बचती है वो कहलाता है आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। अब इस एडवांस टैक्स लाइबिलिटी को आपको कैसे पे करना है, एक तो शुरू में ही आप 15 जून के पहले आप पूरे साल का अपना एस्टिमेट बना ले कि इतनी मेरी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। पूरा साल का टैक्स हमने निकाल लिया, फिर उस टैक्स की 15% 15 जून सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 15 जून, जिसमें कि आपको टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो हमने अभी कैलकुलेट की है उसका 15% आपको यहाँ 15 जून तक पे करना है। और फिर उसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 15 सितंबर, 15 सितंबर तक आपको टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का 45% तक पे करना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी टीडीएस टीसीएस सबको डिडक्ट करने के बाद जो लाइबिलिटी बच रही है वो बच रही है 1 लाख रुपए, तो आपको 15 जून तक 15% मतलब 1 लाख का 15% 15,000 रुपए पे करना है। फिर 15 सितंबर 15 सितंबर तक 45%, तो 45% में से 15% तो हमने ऑलरेडी दिया हुआ अभी, तो 1 लाख का 45% कितना होगा 45,000 रुपए। इस 45,000 में से 15,000 रुपए हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे चुके हैं, तो इस बार हमको कितना देना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 30,000। तो इस तरह से टोटल हमारा 45,000 रुपए का पेमेंट हो गया। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर तक हमको टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का 75% मतलब 1 लाख का 75% 75,000 रुपए हमको 15 दिसंबर तक पे करने हैं। इस 75,000 में से 45,000 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, कैसे, फर्स्ट में 15,000 फीस में 30,000, तो 45,000 हम यहाँ तक पे कर चुके हैं, तो 75 में से 45 हमको माइनस कर देंगे और फिर 30,000 रुपए जो बचे हैं वो कब देने हैं हमको 15 दिसंबर की इंस्टॉलमेंट में। तो इस तरह से 75% का पेमेंट हो गया। फिर 15 मार्च तक आपको बचा हुआ जितना भी एडवांस टैक्स है आपका, यानी कि 25% बचा है, वो 100% एडवांस टैक्स लाइबिलिटी हमको 15 मार्च तक पे करनी है। और उस 100% में से 75% हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी यहाँ तक आपने कितना पे किया, इसमें 15,000 फिर 30,000 फिर 30,000, तो इस तरह से आपने 75,000 का पेमेंट कर दिया। अब आपका जो 25,000 रुपए का जो पेमेंट बचा है वो आपको फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक, यानी 15 मार्च तक आपको 100% पेमेंट करना है। हाँ, यदि मान लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप नहीं कर पाए तो फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पूरा 45% पूरा एक साथ करना पड़ेगा, ऐसा ही सब पे लागू होता है। और यदि आप 15 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो 15 मार्च की जगह आप 31 मार्च तक भी पेमेंट करते हैं तो भी वो एडवांस टैक्स के अंतर्गत ही आता है, उसको एडवांस, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट जरूर एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन उसको काउंट एडवांस टैक्स में ही किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो एसएससी सेक्शन 44AD और ADA में एग्जेम्प्टी बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं तो उनके लिए एडवांस टैक्स कब पे करना है, तो उनको 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं बल्कि 1 ही इंस्टॉलमेंट बिफोर 15 मार्च, जिस साल की अर्निंग है 22-23 की है, तो 15 मार्च 23 तक ही उनको सारा एडवांस टैक्स एक साथ एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। और यदि वो भी यदि 31 मार्च तक पे करते हैं तब भी उनका जो है वो एडवांस टैक्स ही कहलाता है और उस पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। अब बात होती है कि यदि एडवांस टैक्स का पेमेंट करना जरूरी होता है, तो जी हाँ, यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के अंतर्गत आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। वो भी हम समझ लेते हैं। सेक्शन 234B के अंतर्गत एडवांस टैक्स का जो हम पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B तब लगता है जबकि या तो आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट किया ही नहीं। ये तो आप समझ लें कि एडवांस टैक्स का जिस साल हम कमाई करते हैं उसी साल में हमको टैक्स देना होता है, जैसे कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक की इनकम पर हमको 31 मार्च 23 तक पूरा एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो या तो हमने वो 31 मार्च तक एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, या फिर एडवांस टैक्स पे तो किया है लेकिन वो
90% मतलब जो टोटल हमारा असेस्ड टैक्स था, मतलब जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी थी उसका 90% से भी कम किया है। यदि आपने 90% तक भी पेमेंट कर दिया, जैसे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आपकी 1 लाख रुपए बन रही थी, उस 1 लाख में से आपने 90,000 तक का पेमेंट कर दिया है, तो फिर आपको एडवांस टैक्स आपने पूरा नहीं किया लेकिन आपने 90,000 भी 31 मार्च तक कर दिया है, तो भी आपको सेक्शन 234B के अंतर्गत आपके इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन आपने 90% से कम, मतलब 90,000 से कम का एडवांस टैक्स पे किया 31 मार्च तक, तो फिर आपको सेक्शन 234B के अंतर्गत इंटरेस्ट देना होगा। ये इंटरेस्ट रेट होती है 1% पर मंथ। और ये इंटरेस्ट रेट कब से आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब 1 अप्रैल 22-23 में की जो इनकम है, तो 31 मार्च 23 तक आपको एडवांस टैक्स पे करना था, तब तक आपने नहीं किया, तो उसके जस्ट बाद मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके आप जब तक अपनी टोटल इनकम निकालते हैं अंडर सेक्शन 143, अंडर सेक्शन 143(1) जिसमें कि इंटीमेशन होती आती है, हम क्या करते हैं जब रिटर्न फाइल करते हैं नेक्स्ट ईयर, हम असेसमेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का, तो जो रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त रिटर्न फाइल के साथ ही हम क्या करते हैं, हम टैक्स का पेमेंट भी कर देते हैं बचा हुआ, या फिर अगर आप पहले करते हैं तो आप, या फिर यदि आपको कोई रेगुलर असेसमेंट होता है तो वो तारीख, तो लेकिन ये लागू कहाँ से होगा, 1 अप्रैल 2023 किसके लिए, एक फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम के लिए, 1 अप्रैल 2023 से लेके जिस दिन आपकी टोटल इनकम आपकी निकाली जाती है, निकालते हो आप टैक्स का पेमेंट करते हो, तब तक आपको क्या करना है, 1% पर मंथ से सेक्शन 234B के अंतर्गत इंटरेस्ट देना होगा। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेंगे। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो डिफरेंस अमाउंट पे ही होगा, जैसे कि जितना टैक्स हमको पे करना था और जितना हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया, उसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस अमाउंट पे ही हमको 1% से 234B में टैक्स निकालना, सॉरी इंटरेस्ट निकालना होगा। अब मैंने बार बार बताया असेस टैक्स, तो असेस टैक्स का मतलब ये होता है कि जो हम एक तो टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम पर जो टैक्स कंप्यूट करते हैं किसके अंतर्गत, अंडर सेक्शन 143(1) या रेगुलर असेसमेंट भी है, जो भी हमारी टोटल इनकम हम निकालते हैं उस टोटल इनकम में से TDS TCS को घटाना है, साथ में रिलीफ जो अंडर सेक्शन 89 को घटाएंगे, साथ में टैक्स क्रेडिट जो 115JD में होती है उसको भी हम माइनस करेंगे। ये चारों माइनस करने के बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बचती है उस टैक्स को टैक्स कहलाता है असेस्ड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर असेस्ड टैक्स का मतलब जितना हमको एडवांस टैक्स देना था। अभी सारा कब निकलेगा, जब आप टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे उसमें से आप फिर TDS TCS और इन सबको रिलीफ और इनको क्रेडिट को घटा देंगे, तो जो अमाउंट आती है वो असेस्ड टैक्स कहलाता है। उसका ध्यान रखिएगा 234B के लिए 90% असेस्ड टैक्स के 90% से कम आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं होना चाहिए, तब आपको इंटरेस्ट देना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर सूरज एक बिजनेसमैन है, उसकी सेक्शन 143(1) जो रिटर्न फाइल करता है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी उसकी आ रही है 28,400, लेकिन उसने कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया है और उसका TDS क्रेडिट भी था 10,000 रुपए का। देखिए उसके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी 28,400, उसमें से TDS क्रेडिट कितना था 10,000 रुपए, तो 28,400 में से 10,000 तो हम यहीं पे माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 18,400। ये जो 18,400 बचे ये क्या है, असेस्ड टैक्स, इसको हमको क्या करना है, एडवांस टैक्स के रूप में पे करना है। उसने कब पे किया, ही हैज पेड द बैलेंस टैक्स ऑन 31 जुलाई, लेकिन उसने पेमेंट कब किया है, असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई तक पेमेंट किया उसने, तो वो बोल रहे कि 234B में हमको टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है, तो जी हाँ 234 में देना है। क्यों देना है, सबसे पहली बार 28,400 में से 10,000 गए, तो आपके 18,400 आपकी क्या रही है, टैक्स लाइबिलिटी बची हुई है, और ये टैक्स लाइबिलिटी आपको एडवांस टैक्स के रूप में पे करना थी। पहली बात, 10,000 रुपए से ज्यादा है, 10,000 रुपए से ज्यादा है, इसका मतलब हम आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी थी और आपने पे नहीं की है। अब दूसरी चीज आपको देखना है कि जो आपकी जो अमाउंट है असेस्ड टैक्स जो आपका निकला हुआ है उसका 90% से कम पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट ही नहीं हुआ तो 90% से कम का सवार ही नहीं उठता है, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं हुआ तो मतलब 90% से कम ही पेमेंट हुआ है, तो हमको 234B लागू यहाँ पर होती है। 234B के लिए हम कब से पेमेंट करेंगे, 1 अप्रैल से लेके, उसने पेमेंट कब किया 31 जुलाई को, तो 1 अप्रैल से लेना है, 1 अप्रैल कौन सा, नेक्स्ट ईयर का, तो 1 अप्रैल से लेके जब उसने पेमेंट किया 31 जुलाई,
4 महीने का उसको इंटरेस्ट देना होगा, जो कि 18,400 रुपए पर 4 महीने का इंटरेस्ट 1% से बनेगा 736 रुपए। ये था सेक्शन 234B का। इसके अलावा आपको ये तो 234C के अंतर्गत भी इंटरेस्ट लगता है। सेक्शन 234C के अंतर्गत इंटरेस्ट तब लगता है जबकि आप एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप इंस्टॉलमेंट को आप टाइम पे नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा था 15% 45%, तो उसमें आप टाइम पे नहीं करते हैं या फिर आप कम पे करते हैं अमाउंट, तो उसके लिए आपको टैक्स। अभी जो 234B था वो किस लिए था कि आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, तो वो नेक्स्ट जब मतलब 31 मार्च के बाद से लागू होता था। लेकिन 234C में ऐसा नहीं है। 234C में तो है कि आपने वो पेमेंट कम किया है, इंस्टॉलमेंट में यदि जो चूक कर देते हैं आप, वो उसके लिए ऊपर इंटरेस्ट है। तो उस पर कैसे करना है? अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं इन केस ऑफ टैक्स पेयर अदर देन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रिजम्प्टिव टैक्सेस, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन जो 44AD और ADA में आता है उनको छोड़ के जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये तब लगाया जाएगा यदि एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कब देनी थी हमको? 15 जून। वैसे तो हमको क्या 15 जून तक 15% टैक्स देना था, लेकिन सेक्शन 234C बोलता है कि यदि आप एडवांस टैक्स जो पेबल था आपका, जितना पूरे साल का पेबल था टोटल, उसका 12% भी यदि आप 15 जून तक पे कर देते हैं तो आपको आपके ऊपर 234C लागू नहीं होगी, ये ब्याज आपको नहीं देना होगा। तो मिनिमम आपको 12% तो आपको करना चाहिए। यदि आप 12% नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। फिर बात करते हैं कि 15 सितंबर को जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी तब तक आपको वैसे तो 45% पे करना था, लेकिन मिनिमम आपको 36% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल का 36% तो आपको पे करना ही है। यदि आप 36% से कम पे करते हैं तो फिर यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। हाँ, लेकिन 36% तक भी कर देते हैं, पूरा आपने 45 भले ही नहीं किया लेकिन 36 तक भी कर देते तो भी आपको एडवांस 36% तक यदि पेमेंट कर देते तो फिर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं देना, नहीं तो फिर आपको इंटरेस्ट देना होगा। और 15 दिसंबर तक वही आपको 75% तक पेमेंट करना है, यदि इससे कम करते हैं तो इंटरेस्ट देंगे। और 15 मार्च तक आपको 100% तक पेमेंट करना है। अब यहाँ पे देखना है हमको कि इसमें टैक्स हमको कैसे देना है, सॉरी इस पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो कैसे देना है। जैसे कि 15 जून पे मान लो कि हमारा जो टैक्स बन रहा था, अच्छा एक बात और इसमें देख लेते हैं हम पहले, इसको एग्जांपल से समझाने से पहले आपको बता देती हूँ मैं कि यदि कोई सेक्शन 44AD और ADA में अकाउंट होता है, अपना प्रॉफिट निकालता है, तो उसके ऊपर क्या होगा? 234C तब लागू होगी यदि वो 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स पेबल नहीं कर पाता है। मतलब उसके ऊपर ये लागू नहीं होंगे 12%, 36%, 75%, 100%। उसके ऊपर क्या है? यदि वो 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स पे नहीं कर पाता है तो उसको सेक्शन 234C में इंटरेस्ट देना होगा। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 234C में भी 1% ही रहेगी। अब इसमें हमको देखना है कि 234C में हमको टैक्स जो इंटरेस्ट निकालना है वो कैसे निकालना है। तो ये 3 मंथ्स के लिए हमको निकालना पड़ता है। कैसे? इसको हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर वो 44AD में आता है अब तो उसका कब निकलेगा? उसको सिर्फ एक ही, मतलब जैसे क्या है 4 इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट यदि आपने टाइम पे नहीं दिए तो आपको 3 महीने का यहाँ पे ब्याज लग जाएगा। तो ये ब्याज, अच्छा ये ब्याज की जब भी हम बात करें तो जो डिफरेंस अमाउंट है ना, जितना हमको पे करना था और जितना हमने पे किया वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस अमाउंट पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। यदि 15 जून में आप 12% तक टैक्स पे नहीं कर पाते हैं तो जितना आप पे नहीं कर पा रहे हैं, कम पे किया उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उस पर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। फिर ऐसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 36% नहीं कर पाते तो आपको टोटल आपको क्या करना, जितना पे करना था 45% करना था तो नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पे भी तीन महीने का इंटरेस्ट पे करना है। इसमें भी 3 महीने का, इसमें भी 3 महीने का, फिर यहाँ पर भी थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3 महीने का, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है। रेट क्या है? 1%। यदि इसकी बात करें 44AD और ADA वालों के लिए तो उनको उनको 1 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। यदि 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं दे पाते पूरा 100% तो उनको 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234C।
चलिए अब हम एग्जाम्पल से 234C को समझ लेते हैं। मिस्टर कुशाल इज रनिंग अ गारमेंट शॉप, टेक्स लाइबिलिटी ये उसकी 45,500, और उसने क्या करा है, उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी 45,500, उसमें से उसने 15 जून तक 8,000 रुपए का ही पेमेंट किया। फिर 15 सितंबर को उसने 11,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। 15 जून को 8,000 किया, 15 सितंबर को 11,000 कर दिया, टोटल कितना किया उसने, 19,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। फिर 15 दिसंबर को 12,000 को और पेमेंट किया, तो अभी तक हम कितना पेमेंट कर चुके हैं, 31,000। कितना, 8,000, 11,000 और 12,000, टोटल 31,000 पे कर चुके हैं। और 15 मार्च को उसने 14,500 का पेमेंट किया, तो इस तरह उसने टोटल पेमेंट यहाँ पर आके, पहले उसने 8,000 किया, फिर 11,000 किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 12,000 किया, फिर 14,500, टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है, 45,500। ठीक है, अब उसने प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है, तो अब हमको 234C का हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है 45,500 10,000 रुपये से ज्यादा है। यदि 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 45,500 का 15% हमको पे करना था। 15% कितना होगा, जो हमको 15 जून तक देना था, तो 15 जून तक हमको कितना देना था, 15% से 45,500 का 15% हमको देना था 6,825 रुपये। 6,825 पे करना था, हमने कितना पे कर दिया है 15 जून तक, 8,000 रुपये, तो हमने तो ज्यादा पे कर दिया है। तो फिर यहाँ पर कोई भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कोई भी शॉर्ट पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक हमको कितना पे करना चाहिए, 15 सितंबर तक 45,500 का 45%, तो 45,500 का 45% होगा 20,475। लेकिन अभी 15 सितंबर तक आप कितना पेमेंट कर चुके, 8 और 11 टोटल 19,000 रुपये का। आपको करना कितना था, 45% से 20,475, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, 8,000 और 11,000, टोटल 19,000 ही पेड किया है। तो शॉर्टफॉल कितनी हो गई, 20,475 माइनस 19,000, 1,475 रुपये आपने शॉर्ट पेमेंट किया है। अब ये शॉर्ट पेमेंट जो था वो आपको देखना क्या है, एक रूल और यहाँ पे लागू हो रहा था 234C में, कि आपने यदि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 36% भी यदि एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो भी आप को पर ब्याज नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना 36% निकाल लेते हैं। तो 36% कितना होगा, 45,500 का 36% बनेगा 16,380 रुपये। कितनी अमाउंट बनी, 16,380 रुपये आपके बन गए। अब 16,380 रुपये में से हमने पेमेंट कितना किया है, 19,000 रुपये कर चुके हैं अभी तक हमको, अभी तक हमने पेमेंट 19,000 कर चुके हैं, और करना कितना था मिनिमम 16,380, 36% से, तो यहाँ पर भी आपने ज्यादा कर दिया, तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में आते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 75% का टैक्स पेमेंट करना था, इसमें मिनिमम भी 75% ही था। तो ये पेमेंट कब तक करना था आपको, 15 दिसंबर, तो 45,500 का 75% होता है 34,125, लेकिन आप 15 दिसंबर तक आपने 31,000 का ही पेमेंट किया है, तो और आपको करना कितना था 34,125, तो यहाँ पे शॉर्टफॉल कितनी है, 8,000 रुपये। पहले पेमेंट किया, फिर 11,000 किया, 12,000 रुपये, तो टोटल शॉर्ट पेमेंट हो गया आपका 3,125। 34,125 कितना है, 75% तो में से 31,000 पे कर दिया, तो अब बचा कितना, 3,125। तो इस 3,125 रुपये पर 234C के अंतर्गत आपको 1% से आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। हर इंस्टॉलमेंट में जो शॉर्ट पेमेंट आएगा उसमें 3 3 महीने ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो शॉर्ट शॉर्ट निकल रहा है उस पे 3 3 महीने का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में शॉर्ट निकलता है यदि तो उसपे भी 3 महीने का, थर्ड में निकलता है उसमें, तो इस तरह से आप जो 3,125 रुपये है इस पर आपको 3 महीने का 1% की रेट से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम आते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसमें हमको 100% 15 मार्च तक करना था, और आपने टैक्स लाइबिलिटी आपकी 45,500 थी, और आपने 15 मार्च तक
8,000, 11,000, 12,000, 14,500 ऐसा पूरा पेमेंट आपने कर भी दिया है, तो फिर यहाँ पे भी कोई शॉर्ट पेमेंट नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। यहाँ पर सिर्फ आपको कब लगा? थर्ड इंस्टॉलमेंट में। इस तरह से आपको 234C में जो है आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन अब बात आती है, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें कि आपको ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C ना पे करना पड़े? तो वो होती है, क्योंकि हो सकता है कि ये सारा तो आपको पहले से अनुमान लगाना होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है, जैसे कि कैपिटल गेन की बात करें तो वो तो अचानक से होते हैं। अब कैपिटल गेन के केस में, अब यहाँ पे हम वो बात करेंगे जिनमें कि यदि आपको आप पेमेंट कैसे करना है, आपको एडवांस टैक्स कैसे निकालना है। जैसे कि एक तो आप कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन का यदि आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दे पाते हैं, पहले नहीं कर पाते क्योंकि उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है, तो कैपिटल गेन है या विनिंग फ्रॉम लॉटरी हॉर्सेस, ये जितने भी ये सब इनकम आपकी अचानक से होती है, एक क्योंकि आपसी कोई पहले से निर्धारित नहीं थी, जो इनकम पहले से निर्धारित नहीं होती अचानक से होती है, तो उसके लिए एक तो ये कैपिटल गेन है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेसेस टाइप्स की जो इनकम होती है, या फिर यदि कोई नया बिजनेस है अंडर सेक्शन 115BBDA में कवर होता है, तो उसकी उसको भी अगर शुरू उसका बिजनेस जो है नया बिजनेस है, तो उसके केस में भी ये 234C लागू नहीं होगी। और डिविडेंड रिसीव होता है फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी से 10 लाख रुपए ज्यादा, 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि कोई डिविडेंड रिसीव होता है डोमेस्टिक कंपनी क्या ये 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो एंड तो वो इनके ऊपर क्या होता है कि 234C के केस में आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। किस किस में? कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आपको ये तो अचानक से इनकम हुई है, तो आप पहले से कैसे निकालेंगे उसका। लेकिन हाँ, जैसे ही आपको, लेकिन फिर भी आपको ये जरूर है कि जैसे आपका मान लीजिए कि पहली इंस्टॉलमेंट जब आपने 15 जून तक की, तब तक तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, लेकिन 15 सितंबर से पहले, यानी कि मान लो 14 सितंबर को ही आपको कैपिटल गेन हो गया, तो फिर आपको 15 सितंबर को जो इंस्टॉलमेंट देनी है ना, उस इंस्टॉलमेंट में आपको उस कैपिटल गेन के ऊपर की जो टैक्स कैलकुलेट, जो आप फिर से पूरा टैक्स, पूरे साल का टैक्स रिवाइज करेंगे, उसमें कैपिटल गेन को इंक्लूड करेंगे और फिर अपना टैक्स निकालेंगे, और फिर उसका जो इंस्टॉलमेंट आपकी बन रही है वो इंस्टॉलमेंट आपको, क्योंकि आपको वहां पर क्या पता, कैपिटल गेन का पता चल गया था, तो जैसे ही आपको पता चलता उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, उस इंस्टॉलमेंट पे आपको एक नॉर्मल फिर नए सिरे से टैक्स कैलकुलेट करके आपको एडवांस टैक्स पे करना है। एंड द टैक्स पेयर पे द रिक्वायर्ड एडवांस टैक्स ऑन सच इनकम एज अ पार्ट ऑफ इमीडिएट फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट, जो भी तुरंत जो बाद की इंस्टॉलमेंट आती है उस पर पे करना, या फिर मान लो कि 15 मार्च के बाद होता है तो आपको 31 मार्च तक आपको पेमेंट करना है। यदि कोई इंस्टॉलमेंट मान लो कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में यदि कोई कैपिटल गेन या लॉटरी वगैरह से इनकम होती है, तो फिर आपको 31 मार्च तक उसका एडवांस टैक्स, उस पर जितना भी एडवांस टैक्स बन रहा है वो एक साथ आपको पे करना है। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें कि अगर आप शुरू में नहीं कर पाते, तो जैसे ही आपको इनकम का पता चलता है उसके बाद आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब बात करते हैं कि एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करना है। तो एडवांस टैक्स का पेमेंट के लिए आपको चालान 280 यूज होता है, और ये जो चालान के आपको ऑनलाइन कैसे पेमेंट करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, और इसका जो पेमेंट करने के बाद आपको, आपने जो पेमेंट किया उसका आपको देखना है, तो आप कहाँ से देखेंगे? तो आप इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 26S डाउनलोड कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। 26S आपको कैसे देखना है उसकी लिंक, उसका वीडियो पूरा 26S और AIS का वीडियो मैं आपको लिंक दूंगी, वो आप देख सकते हैं। तो 26S और AIS में आपको दिख जाएगा कि आपने इतना एडवांस टैक्स पे किया है। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप एडवांस टैक्स यहाँ पे 5-7 दिन के बाद अपडेट होता है पेमेंट करने के, तो आप बाद में आप चेक कर सकते हैं। 26S और AIS के बारे में मैंने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, तो इसका डिटेल में वीडियो अलग से बनाया है, उसकी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक चीज और ये देख लेते हैं कि जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है वो होता है, वो करना क्या है। तो जैसे कि जो आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट जरूर करना है, लेकिन रिटर्न तो आप कब फाइल करेंगे? जब साल खत्म हो जाता है, जो आपके नेक्स्ट ईयर में ड्यू डेट, मतलब असेसमेंट ईयर में जो ड्यू डेट आती है उस पर आपको रिटर्न फाइल करना। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब से आप फिर से टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, और जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से आप TDS TCS डिडक्ट करते थे ना, क्योंकि वो भी क्या है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी का ही हिस्सा है जो आपने पहले चुका दिया है, वैसे ही एडवांस टैक्स भी आपने पहले चुका दिया, तो नेट टैक्स लायबिलिटी में से आप एडवांस टैक्स का पेमेंट आपको एडजस्ट करना है।
और उसके बाद यदि हो सकता है कि आपका ज्यादा पेमेंट आपने पे कर दिया, टैक्स का पेमेंट ज्यादा कर दिया हो तो आपको रिफंड आ जाएगा, और यदि आपने कम किया है तो आपको और टैक्स लाइबिलिटी विद इंटरेस्ट आपकी आ जाएगी। एडवांस टैक्स आपको निकालना है या टोटल इनकम आपको निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इनकम टैक्स की साइट के द्वारा ये एडवांस टैक्स कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, या टोटल टैक्स निकाला है उसका भी कैलकुलेटर दिया है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए आपको गूगल पर डालना होगा एडवांस टैक्स पेमेंट, आपके सामने सबसे पहली आएगी एनएसडीएल की साइट ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस टीन यूजर, यहां पर हमको क्लिक करना है। यह आपका ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे कौन सा लेना, चालान हमको चालान नंबर 280। अच्छा, ये चालान आप चाहें तो बैंक के द्वारा आप ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत इजी रहता है इसलिए मैं ऑनलाइन बता रही हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर आ रहा है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो आपको चालान नंबर 280 पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स यहाँ पे प्रोसीड पर नीचे पे क्लिक करें। आपके सामने 280 के लिए आप फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आपको टैक्स एप्लीकेबल, आप कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट करें, अदर देन कंपनी है तो ये सिलेक्ट करें। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में आपको एडवांस टैक्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो बैंक का नाम कौन सी बैंक से करना है वो सिलेक्ट कर लें, डेबिट कार्ड से करना है तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर लें। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर अपना यहाँ पर आप इंटर करें, पैन नंबर आपका, कौन सा असेसमेंट ईयर आप देते हो ध्यान रखिए, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जिस साल की इनकम है उसका जस्ट बाद वाला नेक्स्ट ईयर आपका असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लें, एड्रेस के बाद मेल आईडी मोबाइल नंबर, ये जो कोड है वो कोड यहाँ इंटर कर दे और प्रोसीड पर क्लिक कर दे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद वो आपको कंफर्म करता है कि ये पैन नंबर का नाम आपका आ जाएगा उसमें, और आपका इस असेसमेंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है वो भी आ जाएगा। और उसके बाद वो आप आगे जब उसको प्रोसेस करेंगे तो जब आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट के लिए बाद फिर वो आपने जो भी नेट बैंकिंग है जो भी आपने सिलेक्ट किया वो पेमेंट गेटवे पे ओपन हो जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है तो आपका एक चालान आ जाएगा, और वो चालान आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था एडवांस टैक्स, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को चेक करना है तो चेक कहाँ से करेंगे आप, चेक करने के लिए आपको करना होगा कि आप या तो फॉर्म 26S में देख लें या अपने AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चालान का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि इसका टैक्स कैलकुलेटर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इनकम टैक्स इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर हमको जाना है, इनकम टैक्स इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की। यहाँ पर नीचे की साइड आएंगे आपको टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज में टैक्स टूल्स दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पर आपको, अब यहाँ पे से सिलेक्ट कर ले कि आप कौन है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, कंपनी। उसके बाद आप नीचे की ओर देखेंगे, देखिए ये इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, ये आपको आप बहुत ही इजीली अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि आपको एडवांस टैक्स या इस केवल टैक्स निकालना है, इनकम आप निकाल चुके तो टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेती हूँ, इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो आपको जैसे हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया यहाँ पर क्या आ गया, एडवांस टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पर एडवांस टैक्स कैलकुलेटर अगर हमको यूज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए एडवांस टैक्स का फॉर्म ओपन, यहाँ पे आप टैक्स पेयर में अपना सिलेक्ट कर लें, इंडिविजुअल है, HUF, AOP। उसके बाद आपने 115 BSE, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड, जो भी आपको ऑप्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें। फिर नेट टैक्सेबल इनकम, अच्छा यदि आपने टैक्सेबल इनकम नहीं निकाली तो मैंने एक और कैलकुलेटर जो बताया था इनकम और टैक्स वाला, उससे आप नेट टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं। तो यहाँ टोटल अपनी नेट टैक्सेबल इनकम ले लें। तो इस तरह से आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और जितनी TDS की अमाउंट आपने कोई रिलीफ है तो वो यहाँ पे TDS की अमाउंट है वो यहाँ पर इंटर कर दे, तो इस तरह से आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी यहाँ से इजीली आप कर निकाल सकते हैं।